कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत पड़ती है अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली के साथ या खुद से ही, तो हमें होटल में रूम बुक करने की ज़रूरत होती है। तो इस स्थिति में हमें रूम बुक करना नहीं आता है। सो गाइस, मैं हूँ इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। तो मैं आज आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से बहुत ही आसानी से आप कोई भी होटल में किस तरीके से रूम बुक करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Shut up and sit down. कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कहीं जाना होता है अपने फ्रेंड के साथ या फैमिली के साथ या अकेले ही, तो रूम बुक करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में आप सोचते रहते हैं कि कौन सा रूम बुक करें ना करें, तो मैं आपको ऐसे ही एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप बहुत ही आसानी से, आप कहीं भी जा रहे हैं अकेले हैं, फैमिली के साथ है या फ्रेंड के साथ है, तो आप बहुत ही आसानी से आप होटल बुक कर सकते हैं। इसका लिंक जो है ओयो का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाने के बाद डायरेक्ट यहाँ से आप ओपन हो सकते हैं, या आप इसको प्ले स्टोर में डालिएगा ओयो होटल, तो आपके सामने में कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसको आपको डाउनलोड कीजिएगा तो आपको यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आपको ओपन कर लेना है। चलिए हम यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही आपके सामने में कुछ इस तरीके से यहाँ पर ओयो का ऑप्शन यहाँ पर दिखाएगा। यहाँ पर आपको परमिशन मांग रहा है, इसको अलाउ कर देना है। अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। चलिए मैं अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद सिंपली यहाँ पे आप जो रेड बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए कि आपके मोबाइल पे 4 डिजिट का OTP आएगा, आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली यह डिटेक्ट कर लेगा। अगर नहीं करता है तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए डिटेक्ट कर लिया, यहाँ पर मैं OTP आ गया, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। यहाँ पर देखिए कि होटल जो बुक हो रहा है 399 रुपये से ये स्टार्टिंग हो रहा है। तो यहाँ से इसको इस तरीके से आपको यहाँ पर आप बुक भी कर सकते हैं। चलिए मैं आप बता रहा हूँ कि आप इसको होटल कैसे आप बुक करेंगे। तो यहाँ पर सर्च फॉर होटल है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे अब आज के डेट में बुक कर रहे हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डेट आ जाएगा, यहाँ पे आप चेक इन कर सकते हैं। आज के डेट में आपको चेकआउट कब करना है, मतलब होटल से कब आना है, वो आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है। जैसे हमको कल के डेट में आना, तो यहाँ पर मैं वो डेट चूज कर लूँगा 14। इसके बाद यहाँ पर आपको रूम कितना बुक करना है, एक बुक करना है या दो करना है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप रूम भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर रूम पर क्लिक करके ऐड रूम पर जाएंगे और जितना रूम ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ चुका है, उतना रूम आप बुक कर सकते हैं। चलिए हमको एक ही करना है तो मैं यहाँ पर डिलीट रूम पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देता हूँ। अब आपको कितना पर्सन आपको रूम में होटल में जाना है, 1, 2, 3, तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना। जैसे हमको यहाँ पर 2 ही आदमी के लिए जाना है या 3 के लिए जाना है या सिंगल जाना है, तो इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं चलिए मेरे पास 3 फ्रेंड है तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, और बच्चे भी है तो इस तरीके से बच्चे वाले पर टिक करके यहाँ पर ऐड कर लेंगे कितने बच्चे हैं, वो भी आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। जैसे मेरे पास कोई बच्चे नहीं है तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको अनचेक करूँगा। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे अप्लाई वाले पर, अप्लाई वाले पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपके सामने भी यहाँ पे जो है कौन कौन से जगह पे है आप जो है होटल बुक करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, या आप यहाँ पर आपको ऑल सिटी का ऑप्शन आ रहा है इसमें आपको सर्च कर लेना है कि आपको कहाँ पर होटल बुक करना है और आप कहाँ पर है इस टाइम। जैसे मैं यहाँ पर बुक कर लेता हूँ न्यू दिल्ली, इस तरीके से यहाँ पर मैं न्यू दिल्ली डाल लेता, यहाँ पर देखिए न्यू दिल्ली डालते ही यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन आ चुका है कि कहाँ कहाँ ये ओयो होटल है, तो यहाँ पे आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ माहिमपुरा, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर डाल देना है, सर्च कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप इसको ओके करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि वो जो लोकेशन यहाँ पर आपका ओपन हो के यहाँ पर आना स्टार्ट हो चुका है, और ये सारे का सारा जो उस एरिया में होटल है वो सारे के सारे आ चुके हैं, और आपको यहाँ पर रेटिंग भी दिखा रहा है 4.8 का, और यहाँ पर आपका प्राइस भी दिखा रहा है कितने कितने पैसा का है, और इस तरीके से यहाँ पर रूम देख सकते हैं, इसका जो बाथरूम टॉयलेट है वो देख सकते हैं, एरिया देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि रिसेप्शन वगैरह जो है कितना शानदार है, तो वो सारे के सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ देखें रिसेप्शन वगैरह भी है, यहाँ पर काउंटर वगैरह सब है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं होटल अरविंद दिल्ली जो है 0.5 किलोमीटर दूरी पर है। इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं इसका प्राइस आपको शो कर रहा है। तो जो भी होटल बुक आपको यहाँ पर करना है होटल में रूम, वो भी आप यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ इसका रेटिंग देख रहे हैं 4.6 का है, तो आप इसका प्राइस भी आप देख रहे होंगे कि कितना कितना इसका प्राइस है।
तो यहाँ पे जितने नीचे जाएगा उतना आपको स्टैंडर्ड आपको होटल मिलेगा और उतना आपको प्राइस भी बढ़ता जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि उतना आपको प्राइस भी बढ़ता जाएगा और उतना स्टैंडर्ड होटल भी आपको यहाँ पे मिलेगा। जितना नीचे जाएगा उतना अच्छा अच्छा आपको होटल यहाँ पे मिलेगा और रूम मिलेगा होटल में, और यहाँ से आप उसको बुक कर सकते हैं। जितना जाएगा उतना यहाँ पर आपको यहाँ पर बढ़ता ही जाएगा। जैसे यहाँ पर कुछ ये अच्छा होटल, मतलब ये होटल जो है रूम कुछ अच्छा लग रहा है तो मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ। इसको आपको सेलेक्ट करना है, पिक वाले को सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए इसका पिक यहाँ पे आपको शो हो रहा है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, इसका फैसिलिटी देख लीजिए कि ये होटल में क्या क्या फैसिलिटी मिल रहा है, वो सारे के सारे आपको नीचे में यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे एसी है, यहाँ पे टीवी है, यहाँ पे जो वाईफाई फ्री है, किचन है, इस तरीके से यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। यहाँ पर देखिए शॉपिंग मॉल जो है ये होटल से कितनी दूरी पे, वहाँ पर किलोमीटर शो कर रहा है। यहाँ पे DLF जो है यहाँ पे 2.6 किलोमीटर है। यहाँ पे देख रहे हैं सीरी और कौन जो मार्ग है वो है। ट्रांसपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है आपका एयरपोर्ट वगैरह कितना किलोमीटर है, यहाँ IGD मेट्रो स्टेशन कितना दूर है। यहाँ रेस्टोरेंट पे क्लिक करके आप जो आपका होटल बुक कर रहे हैं वो रेस्टोरेंट आपको होटल से कितना दूर है वो सारे के सारे यहाँ पे आपको शो कर देता है। यहाँ पर देख रहे हैं आपका पूरा आ जाता है। इस तरीके से यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, यहाँ पर फोटो वाले पे क्लिक करके उसका फोटो आप देख सकते हैं और इसका देख रहे हैं कि ये फोटो कितना शानदार है। और रूम आपको ऐसा ही रूम वहाँ पर मिलेगा जो आपको यहाँ फोटो में आपको शो कर रहा है, बस यही आपको वहाँ पर रूम मिलेगा। इस तरीके से यहाँ बैक आएंगे, बैक आने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ढेर सारा और ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि प्राइस डिटेल का ऑप्शन मिल जाता है। इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए। नीचे आने के बाद आपको इसमें कुछ आपको है पॉलिसी एंड आवर्स रूल है, इसमें आपको कुछ यहाँ पे आपको रीडिंग कर लेना है कि इसमें अगर आपके साथ कोई फ्रेंड नहीं है, कोई गर्ल फ्रेंड है तो अभी आप इस रूम में जा सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको ऑप्शन लिखा आ रहा है कपल्स आर वेलकम, मतलब जो आप इसको है अपने कपल्स अपने जो कोई गर्ल फ्रेंड है उसको भी आप जो होटल में इसको लेके जा सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि पैन कार्ड नॉट एक्सेप्टेड, मतलब पैन कार्ड आप यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं होगा, तो मतलब आपको यहाँ पर आधार कार्ड या वोटर आईडी आपको यहाँ पर लेके जाना है। यहाँ पे इसको टर्म एंड कंडीशन को रीड कर सकते हैं। तो अगर आपके साथ कोई लड़की है तो अभी आप इस रूम में जा सकते हैं और आपको जो पुलिस के साथ आपको कोई लफड़ा नहीं होगा, आपको पुलिस आप वहाँ पे आपको कोई तंग नहीं करेगा। अगर आपको पुलिस तंग करता है तो आप डायरेक्ट आप SP से इसका शिकायत कर सकते हैं अगर आपके पास लड़की हो तो। इस तरीके से यहाँ पे इसका ढेर सारा टर्म कंडीशन है जो आप इसको यहाँ से रीड कर सकते हो। बुक करने के लिए यहाँ बुक नाउ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते यहाँ पे देखिए कि योर बुकिंग इज प्रोग्रेस है, यहाँ पे आपका टाइमिंग वगैरह शो कर देता है। यहाँ पे देख रहे हैं गेट 50 रुपीज़ है, यहाँ पे आपको डिस्काउंट हो रहा है। यहाँ पे देखिए कि बुकिंग जो है कन्फर्म हो चुका है और यहाँ पे आपका ये सारा जो सर डिटेल्स है ये ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पे देखिए कि हाय राजा योर बुकिंग इज कन्फर्म, यहाँ पे इस तरीके से आपका आ जाता है फॉर्म और यहाँ आपका पैसा है, आपका डिस्काउंट हो रहा है 50 रुपया। इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना, यहाँ बुकिंग डिटेल है। जब भी आप होटल में जाइएगा तो सिर्फ आप अपना नाम बोलिएगा तो वो आप वहाँ पर होटल में चेक इन कर पाइएगा। या आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर देख रहे हैं कि ID है, वो ID आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा। देखिए हमको व्हाट्सएप पर यहाँ पर मैसेज भी आ चुका है। यहाँ पर देखिए कि होटल का पूरा एड्रेस आ जाता है, यहाँ पर आपका नाम आ जाता है। यहाँ पर इसको कॉल कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं और यहाँ लोकेशन के द्वारा भी आप वहाँ होटल में जा सकते हैं। यहाँ पे व्हाट्सएप वगैरह आ जाता है। इस तरीके से यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कैंसिलेशन चार्ज है। जो पीरियड में आप कर रहे हैं तो आपको 9 AM में तो आपको 100% रिफंड हो जाएगा। अगर आप कैंसिलेशन डन पोस्ट कर रहे हैं आप तो यहाँ पे आपको कुछ भी रुपया रिफंड आपको नहीं होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे कैंसिल बुकिंग का, तो आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे मैं यहाँ पर पे करना चाहता हूँ तो यहाँ मैं पे वाले पे क्लिक करूँगा। करते ही यहाँ पे आपको जो पेमेंट गेटवे का जितना ऑप्शन है वो सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे आपको सारे के सारे वो आ जाएंगे जो पेमेंट गेटवे। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम, अमेजन, मूवी क्विक, ओला मनी, व्हाट्सअप, यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग से भी आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। जैसे हमको यहाँ पे नेट बैंकिंग से करना है तो हम नेट बैंकिंग वाले पे क्लिक करते हैं। इस तरीके से हम आपको बैंक है ढेर सारा, मैं स्टेट बैंक पर क्लिक किया हूँ तो आपको यहाँ पर जो है डायरेक्ट यहाँ पर ओपन होकर इस तरीके से आपको आ जाएगा पेमेंट का ऑप्शन। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको 946 रुपया अपना यूजर ID और यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिए तो आप यहाँ पर इसको पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से बैक आते हैं, यस करेंगे, यहाँ से हम बैक आएंगे और अगर हमको टिकट को कैंसिल करना है तो सिंपली यहाँ कैंसिल बुकिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको रीजन देना होगा कि आप जो है बुकिंग कैंसिल क्यों करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ढेर सारा ऑप्शन है, यहाँ पर मोर रीजन में जाकर और भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाए। जैसे मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ प्लान चेंज, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको आ जाता है
कि आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हो। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे है कैंसिल एनीवे, मैं इस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करते यहाँ पर देखिए कैंसिलेशन योर बुकिंग, मतलब आपका जो बुक किए हैं वह कैंसिल यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पर देखिए कि हर या योर बुकिंग इज कैंसिल, यहाँ पे जो बुकिंग किए हैं वो आपको यहाँ पे कैंसिल हो चुका है। तो गाइस इसी तरीके से अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं या फ्रेंड के साथ जा रहे हैं या खुद अकेले हैं तो बहुत ही आसानी से आप कोई भी होटल में रूम बुक कर सकते हैं और उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो मैं पर डे अपलोड करते रहता हूँ। सो गाइस आपने जाना कि किस तरीके से हम अपने मोबाइल फ़ोन से होटल में रूम बुक करेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।